मागणीसा आप सबका स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल में। मैं प्रोफेशनली एक LSC हूँ। आपकी सरल भाषा में बोलूँ तो पशु चिकित्सक या पशु सहायक चिकित्सक, जिन्हें आप लोग पशु कंपाउंडर भी कहते हैं। मैंने अपना जो डिप्लोमा है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकानेर से लिया है। उसके बाद में मैंने विश्व प्रसिद्ध पशु चिकित्सालय नागौर, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत के श्रेष्ठ चिकित्सालय गौशालाओं में आता है, वहाँ से भी मैंने प्रशिक्षण लिया है। और आज करीबन 1.5 साल हो गए हैं मैं फील्ड करता हूँ। मैं जिस फील्ड में रहता हूँ तो बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो नॉर्मल होती है, जैसे पशु को आफरा आ जाना या फिर पशु को दस्त लगाना। ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका लोगों को इलाज पता ही नहीं होता है। देसी इलाज इसका हो तो रेडी हो जाता है, और देसी इलाज बड़े कारगर होते हैं इन सब चीज़ों में, पर लोगों को इन सब का पता नहीं होता। इस अभाव में वो पशु जब तक हम पहुँचते नहीं, तड़पता रहता है, काफ़ी बुरी कंडीशन में मिलता है हम जाते हैं। तो आज इन्हीं पर मैंने विचार किया कि क्यों ना एक मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, जिससे मैं लोगों से जुड़ सकूँ, और जब तक उनके पास कोई पशु चिकित्सक ना पहुंचे, वो अपने पशु का एक उचित इलाज तो कर सके कम से कम। मेरा जिस फील्ड में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ये मैं अपने विश्वास से कहता हूँ, क्योंकि जो लोगों ने मुझे विश्वास दिया है, जो मेरे शिक्षकों ने, जो मेरे डॉक्टरों ने मुझे सिखाया है, उनका विश्वास है, उन्हीं के बलबूते आज मैं कह रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को और मैं मानता भी हूँ, और आप लोग भी इस बात को मानेंगे जब आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे, आप अपने पशु का इलाज देखेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो पेट पालते हैं, कुत्ता बिल्ली भी पालते हैं, उन्हें भी बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे बाल झड़ना वगैरह, बहुत सी समस्याएं होती है जो उन्हें इरिटेट करती है। मैं इस चैनल पर उन सबका सॉल्यूशन बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि मैं जो आपको इलाज बता रहा हूँ वो सिर्फ मैं अपने हिसाब से नहीं बताने वाला हूँ, मैं देसी भी बताऊंगा आपको कि देसी इलाज क्या क्या होता है। कि मैं बहुत से बूढ़ों के साथ रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बूढ़ों के बीच बैठना, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। वो मुझे 5 मिनट में अपने 50 साल का अनुभव देके जाते हैं, और उन्हीं अनुभव का मैं इस्तेमाल करके आपके सामने पेश करने वाला हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो 40-50 वर्ष हो गए उन्हें काम करते हुए, उनका अनुभव भी है, मैं वो सब आपके साथ साझा करूंगा। और कई बार ऐसा होता है कि कोई पशु चिकित्सक आता है आपके घर, गाय चेक करता है या पशु कोई चेक करता है, और वो एक भारी मोटी रकम आपसे लेता है, मांग करता है, तो आपको उस चीज़ का ज्ञान हो कि कौन सी दवाई का क्या रेट होता है, क्या कितने में पड़ जाता है इलाज, ताकि जो गरीब पशुपालक है वो इससे बच सके। क्योंकि हम अगर पशु को पालते हैं, हमारा एक उद्देश्य होता है उत्पादन, कि हम पशु को दे रहे हैं, पशु हमें दे, हमारा जो कनेक्शन होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। पशु को एक आदमी अगर चारा पानी दे रहा है तो वो भी उम्मीद करता है कि पशु उसे कुछ ना कुछ दे। बहुत कम ऐसे दयालु लोग होते हैं जो सिर्फ पाल लेते हैं कि बढ़िया है भाई, हम धर्म का काम करते हैं। अब बहुत क्यों, हमारे भारत में तो बहुत से ऐसे लोग हैं, परंतु जो मेन मुद्दा होता है वो उत्पादन का होता है, कि उत्पादन भी हमें मिलना चाहिए, हमारा हक होता है एक तरफ से, हम मानते हैं इस चीज़ को। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि पशु का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। कई ऐसी नॉर्मल बीमारियाँ होती है जो आम है, हर एक गाय में मिल जाती है आपको, बहुत सी हर पशुपालक में मिल जाती है, कि पशु में फीक लग गई, यानी जैसे हम पाई का रोग कहते हैं, यानी पशु अपशिष्ट चीज़ें खाता है, मल मूत्र खाता है या फिर प्लास्टिक खाता है, ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। पशु का फुरा लेना, क्या भी नहीं होना, ये जो नॉर्मल बीमारियाँ जिसके पशुपालक होता है, भाई होता है, वो इलाज करा करके थक जाता है कि हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बीच आया हूँ, ऐसी बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे, और आपको इसका 101% में आपको इलाज जरूर बताऊंगा, और वो इलाज अगर आप करेंगे तो आपको 101% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसके लिए हमसे जुड़ जाइए, ये जो नीचे लाल कलर का तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबाइए सबसे पहले, तो ताकि जो मेरे वीडियोज आए वो आते ही आपके पास एक मैसेज आ जाए कि भाई इस बंदे का वीडियो आ गया है, चलिए वीडियो देखते हैं, ताकि आप अपने पशु को और बेहतर बना सकें, उसे और बेहतर उत्पादन प्रदान कर सकें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। और कई लोग भावुक भी होते हैं कि भाई आवारा पशु एक पर परेशान हो रहा है, पर उन्हें ज्ञान नहीं होता इसलिए वो देखते रहते हैं, तो उनके लिए भी है ताकि वो भी इसे सीख सके। तो आप सबसे निवेदन है कि सबसे पहले तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो आते ही आपको पता चले और आप ये सब काम कर सकें। तो किस दिन मान लो देख नहीं पाए, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन किस दिन मान लो खुदा ना खास्ता आपका पशु घर का बीमार हो गया, ऐसी बहुत ही समस्या आती है जब पशु बीमार होता है और कोई भी पशु सहायक चिकित्सक आपको नहीं मिल पाता, उसमें कोई पशु कंपाउंडर नहीं आ पाता उस समय, तो उसमें आप इस वीडियो को देखकर अपने पशु का इलाज कर सकें, कुछ देसी इलाज या फिर कोई मेडिकल से दवाई आप ला कर दे सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि भाई मेरे पशु को ये दिक्कत हो गई, हम क्या इलाज करें। मैं तुरंत आपको उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा, आपके साथ बना रहूंगा, हम एक परिवार की तरह रहेंगे। आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे इस परिवार में शामिल ज़रूर होंगे, और ये परिवार हम बहुत ही अच्छा बनाएंगे, ताकि इससे हम भी कुछ सीखें, आप भी हमसे कुछ सीखें, क्योंकि ज्ञान एकमात्र चीज़ है जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप लूटो, और इसे लूटने में कोई अधर्म नहीं होता है, कोई अन्याय नहीं है, कोई गलत बात नहीं है,
आप जितना लूट सकते हो उतना लूटो, छोटा बड़ा जिंदा मुर्दा जो भी आपको सिखा रहा है सीख लो उनसे। तो कुछ आप हमें सिखाएंगे, कुछ हम आपको सिखाएंगे, यही हमारी फैमिली रहेगी और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जुड़े। और जुड़ने के लिए आपको मैंने बता दिया कि जो सब्सक्राइब का बटन है वो आप दबाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान, इंग्लैंड, जिंदाबाद, राम राम।